हलका मुकेरिया अधीन पेंदे पिंड नंगल बिहाला विखे अज डोगरा पैरामेडिकल सोसायटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेश डोगरा और पिंड वासियों वालों पिंड नंगल बिहाला के सरपंच प्रदीप सिंह उर्फ मिक्की सम्मानित किया गया। इस मौके जानकारी देंदे हुए डॉक्टर राजेश डोगरा ने कहा कि सानू बहुत खुशी होंदी है कि साढ़े पिंड ने एक युवा सरपंच चुनिया और उस सरपंच ने अपनी युवा सोच नाल पिंड की वह गली बनाई जिस गली नू अज तक ना तो सरकारां अते ना ही पंचायतां ने बनाउण की खेचल की अते ना ही उस पासे आउण की कोशिश की। उन्हें कहा कि बड़े दुख की गल है कि साढ़े पिंड दीआं कुछ गलियां जिहड़ियां आजादी के 70-72 वरे तो बाद भी नहीं बन सकियां। उन्हें कहा कि असी उस गली विच खड़े हाँ जिथे आजादी तो बाद पहली बारी इट लगी है जिस करके पिंड वासियों ने उस दी खुशी विच प्रोग्राम उलीकिया जिस दे विच पिंड दे सरपंच नूं सन्मानित किया ते नाल ही नरेगा विच काम कर रहे लोगों नूं सन्मानित किया गया। मैं डॉक्टर राजेश डोगरा चेयरमैन डोगरा पैरामेडिकल सोसायटी अज स्वामी हीरानंद महाराज जी की पावन नगरी पिंड नंगल बिहाला दे विच असी खड़े हाँ। असी उस जगह दे विच खड़े हाँ जिथे आ साडे पिंड दे सरपंच श्री प्रदीप सिंह उर्फ बिक्की जी नूं सन्मानित किया जा रहा है। स्वामी हीरानंद जी की पावन नगरी पिंड नंगल बिहाला विधानसभा खेत्र मकेरिया का एक बहुत बड़ा पिंड है, पर एक बड़े दुख की गल सी कि साडे पिंड दीआं कुछ गलियां जिहड़ियां आज़ादी के 70-72 बरे तो बाद भी नहीं बन सकिया। सानू बड़ी खुशी होंदी है कि साडे पिंड वासियों ने एक युवा सोच का सरपंच चुनिया ते उस सरपंच ने अपनी युवा सोच के नाल अज पिंड दी ओ गली बनाई है जिस गली नू अज तक दियां किसी सरकारां ने किसी पंचायतां ने ना बनाने की खेचल की ना ही उस पासे आने की कोशिश की। अस जिस गली दे विच खड़े हाँ इस गली दे विच आज़ादी तो बाद पहली बारी इट लगी है जिस करके उस गली दे वासियों ने चाहे साड़ी क्रिश्चन कम्युनिटी है चाहे साड़ी हरिजन कम्युनिटी है चाहे कोई भी है उसकी खुशी दे विच एक प्रोग्राम लिखिया जिस दे विच पिंड दे सरपंच साहिब नूं सन्मानित किया गया अते नाल ही नरेगा दे विच काम कर रही हैं जिहड़ी साड़ी नारी शक्ति ने इत्थे काम किया लेबर का काम किया उन्हां नूं भी महला निवासियों वालों सन्मानित किया जाएगा। मैं डॉक्टर राजेश डोगरा चेयरमैन डोगरा पैरामेडिकल सोसायटी सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ कि जिन्होंने साड़ी इस सोच नूं साड़ी गली बना के साड़ी सोच नूं अगे लिया है। सब तो वड्डी गल यह है कि जद यह गली बनी है साड़े कई बजुर्ग इत्थे अपनी जिंदगी भी छड़ के चले गए उन्होंने हर पिछलियां जिन्नियां पंचायतां आईयां सारिया पंचायतों इस गली के बारे कहा चाहे MLA बने चाहे MP बने चाहे चेयरमैन बने चाहे समिति मैंबर बने पर हमेशा ना लोगों ने इन्हों इगनोर करने की कोशिश की। पर जोड़े युवा सरपंच साढ़े पिंड के बने बिक्की जी उन्होंने पहल के आधार पर गली बना के साडे लोगों दावों को पूरा किया। मैं उस परम पिता परमेश्वर के अगे प्रार्थना करता हाँ उन्होंने भी दुआव इन्हों ही हैं भी ये सदा ही पिंड की तरक्की वाल वध तो वध योगदान पान ते आने वाले समय के भी वध तो वध वोटां लैके ये पिंड के सरपंच बनन क्योंकि अजिहे युवा लोग अगे आउणगे साडे समाज का भला होवेगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद करदा जी सारयां दा खासकर मोहल्ला वासियों का। ये गली काफ़ी चिर तो रुकी पई सी, चलो साडी सोच सी भी पिंड खासकर जिहड़ियां बहुतियां कच्चियां गलियां जिन्हां चों लंघणा भी औखा है उन्हां नूं पहल दे आधार ते बनाया जाए जिहदे करके ये काम थोड़ा जिहा करोना दे चक्कर च कोई साल डेढ़ लेट हो गया नहीं तो शायद अज तो कोई साल पहला ही बन जाती। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा जी सारयां दा इत्थे आण ते भी ते इन्हां मोहल्ला वासियों का भी जिन्हां ने सानूं इस लायक समझिया भी एक सन्मान किया जाए। धन्यवाद। सब तो पहले पब्लिक सपोर्ट न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने साडे प्रोग्राम नूं एक बहुत वड्डी कवरेज दे रहे हैं। ये गली जो है ये बहुत ही एक वधिया काम किया गया ग्राम पंचायत नंगल बिहाला वालों। गली बहुत पहले बन जानी सी लेकिन करोना करके ये लेट हो गई। ये गली जो है एक छप्पड़ का रूप सी ते आने वाले लोगों नूं बहुत ज़्यादा तकलीफ होंदी सी ते पानी वगैरह भी यदा नहीं निकलता सी। करोना की वजह नाल ये लेट हो गई। ये लोगों की बहुत बड़ी मंग सी, काफ़ी परिवारों नूं इन्हां तों फायदा होया है ते ये गली का जो भी सरपंच साहब और पूरी पंचायत ने
मिल के इस काम कंप्लीट किया है। जय हिंद।